गाइस कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पैरामेडिकल के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो रिजल्ट तो अभी आ चुका है, आज है 21 अक्टूबर एंड रिजल्ट फाइनली आ चुका है। 10 और 12 दोनों का आ चुका है, ठीक है। एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि रिजल्ट कैसे चेकआउट करना है, रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है मैं बता देना चाहता हूँ कि। बट उससे पहले मैं यहाँ पर सारे डिटेल बताऊँगा दैट कट ऑफ कैसे होने वाला है एंड काउंसलिंग कैसे होगा, ठीक है। पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड चैनल पर फर्स्ट बार ही आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जितने भी अपडेट्स है आपको मिस कर जाओगे, ठीक है। बेसिकली काउंसलिंग इतने भी पॉसिबल कल से स्टार्ट है एंड आगे भी होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कि आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में अपना रिजल्ट बता देना, ठीक है। एंड अगर आपको कोई सा भी डाउट हो काउंसलिंग अगर आपको करवाना हो, ठीक है, अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो एंड अगर आपको काउंसलिंग करवाना हो तो आपको क्या करना है, जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आपको रिजल्ट शेयर करना है, ठीक है। रिजल्ट शेयर करना है, आपका काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड कट ऑफ कितना होने वाला वो भी मैं बताऊँगा कल के दिन पर। कल मैं लाइव आऊँगा, अराउंड 12 बजे लाइव आऊँगा, तो वह वाला लाइव अटेंड कर लेना एंड सारे के सारे बंदे अटेंड कर लेना। एंड जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग क्या करना, ये वाला वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड से जो भी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दियो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। जो बेसिकली जो वेबसाइट दिख रहा है आपको, दैट इज़ GCSE ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। यहाँ पर आपको नीचे जाना है रिजल्ट के सेक्शन में। रिजल्ट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट प्लीज़ सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे वाला 10 और 12 दोनों लेवल का है, ठीक है। मैट्रिक लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपका जो रोल नंबर है, नॉट एप्लीकेशन नंबर, आपको रोल नंबर पट करना है एंड इसके बाद आपका जो रिजल्ट है एंड OMR है वो भी आ जाएगा, ठीक है। एंड यस, कितना कट ऑफ होने वाला इस बारी का, क्योंकि सबका रिजल्ट इस बारी अच्छा आया है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी बहुत ईजी था 12 का एंड 10 में भी थोड़ा सा, 10 में भी बहुत ज़्यादा ईजी था, तो उसको लेकर, ठीक है। एंड आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट मतलब बेस्ट है इसके रिगार्डिंग, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जितने भी रिगार्डिंग अपडेट्स हैं वो मैं बताऊंगा, CML कितना किस में कितना जा रहा है। अगर आपके 40 नंबर आ रहे दैट आपका CML होगा, 500 से ऊपर ही होगा, हाँ। एंड सीट्स कितना है, राउंड सीट्स है, ओनली 500 सीट्स है गवर्नमेंट सीट, तो इट मे बी पॉसिबल। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आ गए हो तो यार ये सेफ चैनल है और यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो नंबर दिख रहा है वो नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है प्लीज़, क्योंकि इसमें जो है ना ओनली अपडेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, नंबर पे और काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना है। कट ऑफ बेसिकली इस बारी का कट ऑफ जो है वो मैं बता रहा हूँ सेफ कितना है, ठीक है। 40 प्लस जिसका आया है उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कोई एक कॉलेज मिलना फिक्स है, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पे ट्रस्ट करो। क्योंकि देखो लास्ट टाइम जो हुआ था कट ऑफ वो हुआ था 36 to 34 marks, 34 कट ऑफ गया था पिछले बारी, रिम्स का बात कर रहा हूँ, झारखंड रिम्स का, ठीक है। तो इस बारी 40 प्लस गया क्योंकि क्वेश्चन लेवल इजी था, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजी था, 10 वाले दे दिए थे, केमिस्ट्री में कुछ कुछ ईजी थे एंड फिजिक्स में नॉर्मल था, एवरेज था, या फिर कह सकते थोड़ा सा टफ एवरेज स्टूडेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 40 प्लस कट ऑफ है इस बारी का। तो जिसका भी CML रैंक अंडर 1000 है या 2000 है तो एक बारी कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सअप पे, आपका काउंसलिंग करवा दिया जाएगा अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो तो, ठीक है। एंड एक और नोटिस है दैट हम लोग करवा रहे स्टार्ट BSc नर्सिंग पैरामेडिकल, BSc एग्रीकल्चर और ANM GNM का एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो 2023 में ये जो एग्ज़ाम्स, कोई एक आपका जो होगा वो एग्ज़ाम अगर आप अपीयर करना चाहते हो और क्रैक करना चाहते हो एंड अटेंड करना चाहते हो अपने ड्रीम कॉलेज को, तो एक बारी व्हाट्सअप पर ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल लाइव में, ठीक है। और अभी कुछ देर बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक यू।